प्रदेश ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, जो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2000 तो कल उत्तर प्रदेश सहित देश में संपन्न हुए राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, जो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2014 में लोकसभा की 73 सीटें जीत करके बना था, जो रिकॉर्ड 2017 में विधानसभा की गठबंधन के साथ 325 विधानसभा सीटें जीत करके बना था, वही रिकॉर्ड कल उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में एक साथ 9 राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के विजय के साथ बना है। मैं इसके लिए कल राज्यसभा के चुनाव में जो विजयी हुए हैं प्रत्याशियों को, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, प्रदेश के अध्यक्ष, हेलो साफ नहीं आ रही आवाज, आवाज अब क्लियर है, आप क्लियर है, आप क्लियर, तो कल वाली जो मैंने बात बताई आप तो ध्यान में नहीं आई, दोबारा बताना शुरू करूं। मैं सबसे पहले इतिहास भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम बनता जा रहा है, 2014 में 73 सांसद उत्तर प्रदेश से जीते, यह एक रिकॉर्ड रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथियों के साथ हमारे विधायक जीते, यह भी एक रिकॉर्ड रहा है। और कल राज्यसभा के चुनाव में हमारे 9 राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से विजयी हुए, यह भी एक रिकॉर्ड रहा है। और इस शानदार विजय के लिए मैं अपने नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कल चुनाव परिणाम आने के बाद आज मैंने बहन मायावती जी की प्रेस सुनी और उसके बाद आप सबसे मिलने की उत्सुकता हो गई। कल भारतीय जनता पार्टी की विजय और बसपा की पराजय से बहन जी की बौखलाहट उजागर हुई। उन्होंने कई बातें कही है जो सूची मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी गेस्ट हाउस कांड के समय राजनीति में नहीं थे। मेरा बहन जी से यह सवाल है कि क्या जो लोग थे उनके बारे में, मतलब अखिलेश जी के बारे में तो आपने बताया कि वो उस समय राजनीति में वह सक्रिय नहीं थे, लेकिन जो लोग सक्रिय थे अब वो अखिलेश यादव जी के साथ हैं, क्या उनके साथ रहते हुए उनके बारे में आपका विचार क्या है, उसे सार्वजनिक करना चाहेंगे। दूसरा, बहन जी से मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि बहन जी, दलितों और पिछड़ों कि आप तो वोट बेच करके नोट इकट्ठा करने का काम करती रही हैं, भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण में लगातार काम करने वाली पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के प्रति प्रकट किया है वह छिपा नहीं है, लेकिन जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा में सदस्य, समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया कहकर के संबोधित किया था, क्या आपको याद है क्या? और आपको याद है तो उनके बारे में आपका विचार क्या है? अखिलेश यादव जी की सरकार ने बसपा के संस्थापक मानवर कांसी राम जी के नाम से सहारनपुर में स्थापित मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, उसके बारे में आपका क्या विचार है, यह भी हम जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह मानती है कि हम खरीद फरोख्त की राजनीति
का सदा से विरोध करते हैं। सपा बसपा कांग्रेस की टिकड़ी सदैव राजनीति को गंदा करने का काम करती रही है और कल के चुनाव में विजय भाजपा के पक्ष में आई, बौखलाहट सपा बसपा के खेमे में आई, उसके कारण से जो आपने आज बयान दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहन जी जरा आप यह भी बताएं कि जो गेस्ट हाउस कांड के दोषी हैं उनके बारे में आपका विचार क्या है, वह भी प्रदेश की जनता देश की जनता आपसे जानना चाहती। मैं 2014 के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को विजय मिली है पूरे विश्वास और दावे से कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो विकास हुआ है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश का विकास हो रहा है, इसके बल पर हम 2019 में फिर से 2014 दोहराने का काम करेंगे। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, उत्तर प्रदेश को 15 साल पीछे ले जाने का काम किया, जो अखिलेश यादव जी खुलेआम यह ऐलान कर रहे थे कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर पार्क बना है वहां अस्पताल बनाएंगे, उसके बारे में भी आपका क्या विचार है, यह भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। और जिन महापुरुषों का अनादर सपा सरकार में हुआ है उसके बारे में आपका विचार क्या है, वह भी मैं जानना चाहता हूं। और आज पुनः मैं बहन मायावती जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि सपा बसपा का गठबंधन जो अवसरवादी गठबंधन है, जो स्वार्थ का गठबंधन है, वह आपको मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, दलितों के साथ है। भाजपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ देश की 125 करोड़ जनता के साथ है और जो गठबंधन हमारा है वो जनता के साथ है और उस गठबंधन के बल पर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी। राज्यसभा के चुनाव में आपको फिर से 0 मिल गया, लोकसभा में आपको 0 मिला था, आगे आपको कितनी बार 0 मिलेंगे यह आपको स्वयं पता चलेगा। और यह भी मैं कह सकता हूं आज कि बहन जी श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब वो अपने पिताजी के नहीं हुए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया, अपने चाचा जी के नहीं हुए उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया, तो आपका क्या होगा वो भविष्य बताएगा। इतना ही आज मुझे कहना था, आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो। बहन मायावती जी, मैंने कहा वो बौखलाहट में, उनको सपा के बबुआ कहिए, उनके भतीजे श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत शानदार तरीके से उनका उपयोग करके अपने 3 सांसद बनवा लिए, 2 लोकसभा में भिजवा लिए और 1 राज्यसभा में भिजवा लिए, लेकिन उनको एक तरह से उन्होंने धोखा दे करके जो सफलता अर्जित की है उसके कारण बौखलाहट में है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं भाजपा का चरित्र ना धनबल का है ना बाहुबल का है, भाजपा का चरित्र जब राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें विधायकों के बल का है और जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें जनता के बल का है। हमारे कार्यकर्ता जब मेहनत करते हैं तो हम विधानसभा लोकसभा जीतते हैं और विधानसभा जीते हैं तो राज्यसभा जीतेंगे। अधिक नंबर हमारे पास विधानसभा में थे, बहन मायावती जी ने सपा के साथ समझौता करके उन्होंने एक तरह से अवसरवादी और इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की, उन्होंने भी हमारे गठबंधन के अंदर तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त की कोशिश की, लेकिन उसमें वो फेल हो गई और इसलिए ये बौखला। बहन मायावती जी, मैंने कहा बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साथ अपने प्राणों की चिंता किए बगैर
बहन मायावती जी का मान सम्मान बचाया, उनकी सुरक्षा की गेस्ट हाउस कांड में, वो भूलना चाहती वो भूल जाए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो भी माताओं बहनों का सम्मान करने वाला है वह समाजवादी पार्टी की इस प्रकार की गुंडागर्दी को कभी नहीं भूल पाएगा। बसपा तो इतिहास के पन्ने में अपने को दर्ज कराने की ओर बढ़ रही है और वो निश्चित तौर से इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। बहन मायावती जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि हमारे 37 के हिसाब से 8 कैंडिडेटों को वोट आवंटित करने के बाद हमारे पास 28 वोट अतिरिक्त थे और आपके पास केवल 19 वोट थे। आप अपने गठबंधन को, मैं कहूंगा ठगबंधन के आधार पर, अगर आप यह समझती हैं सफलता आपको मिलेगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं कह रहा हूं कि अपने पिता के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, तो वो अपने बुआ मायावती जी के कैसे हो सकते हैं? ये पराजय का कारण निश्चित तौर से ये ठग बंधन है। उन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति की। सपा का कैंडिडेट आना तो एक बार समझ में आता था, बसपा ने कैंडिडेट ला करके उन्होंने सोचा भाजपा गठबंधन में हम तोड़फोड़ करेंगे, उसमें वो असफल हो गई। अखिलेश यादव जी के सहयोग से उन लोगों ने प्रयत्न किया, भाजपा सफल हो गई। या बौखलाहट यह निश्चित तौर से अभी जांच तो हो रही है क्या हुआ है, लेकिन अगर यह जो सवाल आपकी तरफ से आ रहा है उस सवाल के जवाब में अगर मैं कहूं बहन मायावती जी, जो सवाल हमसे कर रही हैं वह तो सवाल स्वयं बन करके खड़ी हैं, उनके भतीजे स्वयं सवाल बन करके खड़े हैं। अगर क्रॉस वोटिंग हुई है, जिनका आप, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपकी तरफ से नाम आ रहा है, अगर इस प्रकार की क्रॉस वोटिंग हुई है तो वह जवाब दें बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में वोटों को खरीदने के, वोटों को लालच देने के प्रयास नहीं किए। यह उनको जवाब देना पड़ेगा और यह सच निश्चित तौर से सामने आएगा। इस कटघरे में तो स्वयं बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, अपना दल के साथ भी रहेगा, भारतीय समाज पार्टी के साथ भी रहेगा। आपको शायद यह ध्यान में दिला दूं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी थे, उस समय सामाजिक न्याय समिति का गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो जिसका हक है उसको देने के लिए तत्पर रहती है और उसी क्रम में वोट के लिए राजनीति करने वाली सपा बसपा कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति पर चलते हैं। हम गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे दलित वर्ग के हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे अति दलित हो, उनके हक को देने के लिए हम, माननीय हमारे जब श्री राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय आगे बढ़े हैं, और जो काम सपा बसपा की सरकारों में रोका गया था वह निश्चित तौर से हमारी सरकारों से पूरा करने का काम करेंगे। फूलपुर हम हार गए हैं, गोरखपुर हार गए, उस हार को हमने सर झुका करके स्वीकार किया है, लेकिन इस पराजय को 2018 में उत्तर प्रदेश में चारों तरफ कमल का फूल खिला करके, गठबंधन की विजय दिला करके, और इसको हम निश्चित तौर से विजय में परिवर्तित कर देंगे। धन्यवाद। अब आज का विषय मुझे लगता है हो गया है, कोई हमसे नाराज नहीं, सभी हमसे प्रसन्न। बहुत बहुत धन्यवाद। दो पापा जी, चार रोटी, दो कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी।